करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आप पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो आप लोगों को भी जो है देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले तो दिस इज द एक्सक्लूसिव लीक ऑफ अपना सुजुकी स्विफ्ट स्पोर्ट्स 2022 वाइट कलर में जो है करी गई है ये, और दिख भी रहा होगा आपको सामने। गाइस एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो पीछे आप देख सकते हैं कि टेल लैम्प जो है सिंपल सेम दिए गए हैं। हाँ, अपना जो पीछे का बम्पर है उसमें आपको दो एग्जॉस्ट मिल जाते हैं या फिर डिफ्यूजर्स बोले वो मिल जाते हैं। दोनों ऑब्वियसली बात है वर्किंग होंगे, फेक नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज जैसे कि स्विफ्ट स्पोर्ट जो है वो उसमें दोनों वर्किंग ही होते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड ड्राइव मॉडल इसलिए मुझे नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे अगर हैंडल देखोगे तो हैंडल पर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। एंड सुजुकी स्विफ्ट स्पोर्ट जो है वो टॉप एंड वेरिएंट है, ये आगे आपको दिख रहा होगा कि हेडलैम्प भी टॉप एंड वेरिएंट वाले हैं। तो रिक्वेस्ट सेंसर जो है ऑब्वियस सी बात है वो ड्राइवर साइड है यानी कि राइट साइड है, तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये लेफ्ट हैंड ड्राइव तो नहीं है, ये आरएचडी है। और सबसे बड़ी चेंज मेरे को ये लग रहा है, सामने दिख रहे होगे आप लोग, तो सामने देखने में आप सिंपल सी बात है कि मे बी ये भी हो सकता है कि हाइब्रिड मॉडल भी हो सकता है, बिकॉज चार्जिंग पोर्ट भी देखा जा रहा है या फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चार्जिंग पोर्ट भी हो सकता है फ्रंट पे। देखो ये चीज़ तो कंफर्म है कि भैया गाड़ी जो है टॉप एंड वेरिएंट में आएगी इंडिया में एंड एक ही मॉडल होने वाला है। अलॉय व्हील्स देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, ऑलमोस्ट जो है मेरे को 17 इंच के आसपास अलॉय व्हील्स लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बम्पर कटा हुआ है, तो मे बी जो है इंडिया टेस्टिंग हो सकती है, इंडिया लॉन्च सून हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस गाड़ी के पीछे छुपी हुई हैं। देखो यार ये तो बहुत ऑब्वियस है कि जो स्पेसिफिकेशन इंडियन स्पेसिफिकेशंस बाहर मिलती हैं वो इंडिया में नहीं मिलेंगी। बाहर की जो सुजुकी स्विफ्ट स्पोर्ट्स है उसमें 250 Nm का टॉर्क आता है एंड इंडिया में आई गेस कभी भी ऐसा नहीं होगा। 1.4 लीटर का जो बूस्टर जेट इंजन मिल जाता है अपने को बाहर की जो स्विफ्ट 2022 सुजुकी स्पोर्ट्स है उसमें, और 2500 RPM पे भी जो गाड़ी है वो मैक्सिमाइज कर देती है टॉर्क फ्लो, तो बहुत ही अच्छा इंजन है। बाहर का डायरेक्ट इंजन है वो दिया गया, उसमें 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है एंड हैंडलिंग एंड ट्रैक्शन जैसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं दी गई हैं। सेफ्टी की बात करूं तो कॉलिजन मिटिगेशन, ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन और एयरबैग, वेविंग अलर्ट, हाई बीम असिस्ट, बहुत सारी चीज़ें जो हैं दी गई हैं। इंडिया में ऐसा आज तक नहीं आया कभी भी, तो वही चीज़ मैं कह रहा था। खैर गाइस अब बात करते हैं इंडिया में अगर मॉडल लॉन्च होता है तो उसमें क्या कुछ है आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस ये इंडिया में जो गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट RS नाम से लॉन्च होगी, स्पोर्ट्स नाम से लॉन्च नहीं होने वाली है। बहुत दिन से ये चीज़ लीक हो रही थी कि आने वाली है, तो फाइनली आने वाली है गाड़ी जो है वो लॉन्च तो करी जाने वाली थी टाटा टियागो JTP के मतलब उसमें कंपटीशन में, बट गाड़ी वो निकल ही चुकी है इंडियन मार्केट से, तो JTP वाला सीन बनता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात करूँ कि भाई इंजन में क्या कुछ मिलेगा, बिकॉज इंजन की ही तो मेरे को भी ऐसा कोई इंजन चाहिए था जो नया हो। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट RS इंजन की 2022 की, तो गाड़ी जो है 1.0 लीटर के बूस्टर जेट इंजन के साथ आने वाली है। यहाँ पे 101 BHP की आपको पावर मिलेगी और 150 Nm का पीक टॉर्क मिलेगा। नो डाउट अभी जो अपनी स्विफ्ट आ रही है उससे इसका फिगर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, नोटिसेबल डिफरेंस जो है जितने भी यूजर्स हैं या जितने भी लोग यूज करने वाले हैं उनको देखने को मिलने वाला है।